What's up everyone, welcome back to the channel। चलो आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कुछ बेसिक assumptions हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आज कुछ और प्रिंसिपल्स देखते हैं कि ऐसी कौन सी प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हमारी अकाउंट्स बेस्ड होती हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कुछ नए concepts। Let's start। आज की वीडियो में बात करेंगे हम इन चार प्रिंसिपल्स के बारे में, और चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना 100% कंफर्म्ड है। तो मैं आपको वो सारी की पॉइंट्स आपके माइंड में डेवलप कर दूंगा जिससे आप आंसर अपने आप लिख पाओगे। साथ साथ बुक से रीड जरूर करना, मुझे पता है अभी आपके पास बुक्स नहीं है तो अभी काम चलाओ, सारी मेन बातें मैं लिख रहा हूं, बट जब आप बुक से पढ़ोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो जो सबसे पहला अब हमें प्रिंसिपल पढ़ना है, कल हमने अजम्पशंस पढ़े थे इससे पहले वीडियो में, अब जो हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है? देखो एंटिटी वर्ड यहाँ पे आया है आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी समझते हो, पहचान। तो बिजनेस एंटिटी क्या बोलता है कि द ऑनर इज कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम बिजनेस। क्या मतलब हुआ कि जो ऑनर है बिजनेस का वो अलग माना जाएगा और जो बिजनेस है उसकी एक अपनी पहचान होगी। आप अपने आस पड़ोस में देखो, आप अपने बाहर मार्केट में देखो, हर बिजनेस का अपना एक नाम होता है, हर बिजनेस अपने नाम से जाना जाता है। मेरा नाम अलग है, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम अलग है, इसी तरीके से मेरी कंपनी का नाम अलग है। तो आप जिस तरीके से भी काम करते हो आपके बिजनेस का नाम अलग होता है। तो बिजनेस हमेशा अलग कंसिडर करा जाता है और ऑनर अलग कंसिडर करा जाता है। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड? बिजनेस एंटिटी। उसके बाद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस आर सेपरेट। हम जो अकाउंटिंग करेंगे, हम जो अकाउंट्स बनाएंगे वो बिजनेस के अलग होंगे और ऑनर के अलग होंगे। यानी कि इनफैक्ट अगर ऑनर कुछ अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से कुछ सामान खरीद रहा है या बिजनेस से भी वो पर्सनली कोई चीज बाय कर रहा है अपने ही बिजनेस से, तो वो ऑनर का अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और बिजनेस के अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। बिजनेस के अकाउंट्स में मैं उसको सेल दिखाऊंगा और ऑनर के अलग अकाउंट्स में वो खुद बनाएगा, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जो अकाउंट्स बनाएंगे वो किसके पर्सपेक्टिव से बनाएंगे? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सेपरेट है ऑनर के अकाउंट से। प्रोप्राइटर इज टर्म्ड एज अ क्रेडिटर टू द फर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑनर है उसने पैसा लगाया बिजनेस में, तो बिजनेस एक तरीके से उसको अपना क्रेडिटर समझता है। क्रेडिटर का मतलब क्या है कि बिजनेस ने कुछ पैसा उससे बोरो करा हुआ है और वो उसको वापस पे बैक करेगा। तो जो पैसा लगाया था ऑनर ने, जिसको मैंने आपको टर्म्स में पढ़ाया है कैपिटल, वो कैपिटल अपनी लाइबिलिटी समझता है। लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि वो उसको पे बैक करेगा, जब बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस उस पैसे को वापस देगा, क्योंकि बिजनेस तो अलग पहचान है बिजनेस की। तो जो पैसा लगा उसको हम लोग लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं और प्रोप्राइटर को क्या कंसिडर करा जाता है? क्रेडिटर। करेक्ट है। अब आता है दूसरा प्रिंसिपल जिसको क्या बोलते हैं? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये उम्मीद करता हूं बिजनेस एंटिटी समझ में आ गया होगा। एक लाइन में बोलूं तो बिजनेस अलग ऑनर अलग, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग ऑनर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग, बिजनेस अपने नाम से जाना जाएगा अपने नाम से काम करेगा, ऑनर अलग चलेगा, ठीक है। मनी मेजरमेंट क्या बोलता है? ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ वो ट्रांजेक्शंस लिखी जाएंगी हमारी बुक्स में जो मनी की टर्म्स में मेजर हो सकती हैं। अब देखो बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो भी सिचुएशन बाहर चल रहा है तो इस सिचुएशन में बिजनेस पे काफी इफेक्ट आ रहा है, लेकिन उससे कितना नुकसान होगा, किसको कितना लॉस होगा, वो हम मेजर नहीं कर सकते, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर किसी की दुकान में आग लग जाती है तो उससे कितना नुकसान हुआ है वो हम मेजर कर सकते हैं, तो वो हम बुक्स में दिखाते हैं। तो हमारी अकाउंट्स में, मैं जब भी बुक्स बोलूंगा तो मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, तो हमारी अकाउंट्स में सिर्फ वो चीजें रिकॉर्ड करी जाती हैं जो कैपेबल है टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। समझ में आई बात आपको? तीसरा प्रिंसिपल क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बोलता है? अब देखो मैंने आपको जब टर्म्स पढ़ाई तो बताया था कि कैलेंडर ईयर अलग होता है और फाइनेंशियल ईयर अलग होता है। चलो हम इसको आज फिर से डिस्कस करते हैं। तो जो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि देखो जो एक्चुअल बिजनेस में हमने फायदे में है या नुकसान में है या हमने बिजनेस अपनी लाइफ में जो करा
उससे पैसा कमाया या हम नुकसान में चले गए, वो तो आपको तब पता चलेगा जब आपका बिजनेस बंद होगा। और बिजनेस तो गोइंग कंसर्न है, याद करो पिछला वीडियो, गोइंग कंसर्न का मतलब वो तो लॉन्ग पीरियड चलेगा, खत्म तो होगा नहीं। तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो ये प्रिंसिपल डेवलप करा गया और इस प्रिंसिपल ने कहा कि भाई एक पीरियड बनाओ, एक टाइम पीरियड बनाओ जिसमें हम मेजर कर पाए कि अब हम फायदे में है या नहीं है, हमारी पॉलिसी सही है या नहीं है। तो इसने क्या कहा, द एंटायर लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंटरवल्स, बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो टू फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द बिजनेस, ताकि हम बिजनेस की पोजिशन फाइंड आउट कर पाए। द 12 मंथ पीरियड आर यूजुअली अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए हमने 12 महीने का पीरियड सही समझा, आप 18 महीने भी ले सकते हो, लेकिन हमने सही क्या समझा, 12 महीने का पीरियड। और वो जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को, यानी कि सपोज वो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 में तो वो खत्म होगा 31 मार्च 2021 में। अब इसी को हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो कैलेंडर ईयर आपको पता है स्टार्ट होता है 1 जनवरी में, सपोज 1 जनवरी 2020 पे स्टार्ट हुआ तो वो 31 दिसंबर 2020 को ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है अगर वो स्टार्ट होगा वो होगा अप्रैल में, 1 अप्रैल 2020 में स्टार्ट होगा तो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2021 में, तभी तो 12 महीने पूरे होंगे ना। तो ये ध्यान रखना आप, ये होता है टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट, ताकि हम हर 12 महीने बाद एनालाइज कर पाए कि मैं फायदे में हूं नुकसान में हूं, मेरी पॉलिसीज ठीक तो चल रही हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और अगर है तो मैं उसको ठीक कर पाऊं अगले साल के लिए। तो ये जो पूरा प्रिंसिपल है इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इसके बाद आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, या फिर कुछ लोग इसको प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर भी बोलते हैं। तो फुल डिस्क्लोजर नाम में ही है, फुल का मतलब सारा और डिस्क्लोजर का मतलब डिस्क्लोज करो, दिखाओ। तो फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है कि जितनी भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी बिजनेस से, वो आपको पूरा पूरा रिकॉर्ड करना है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो कम्प्लीटली रिकॉर्ड होना चाहिए, उसमें किसी तरीके का कोई भी ओमिशन नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरीके का कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ प्रॉपरली प्रेजेंटेड हो, वो सब कुछ A to Z रिकॉर्डेड हो, अगर वो सिग्निफिकेंट है। अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट है तो करो। इसी के कारण हमारी जो कंपनीज होती हैं, उनका कंपनीज एक्ट में पूरा बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट तो अभी आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो कंपनी के सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करता है कि कंपनी के पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं या कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। तो कंपनीज एक्ट में कंपनी के लिए बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट दिया है पूरा, कि ये फॉर्मेट है, ये चीज ऐसे ऐसे यहां लिखनी है, ताकि जो कंपनी का मालिक है या जो कंपनी है उनसे कोई भी चीज मिस ना हो, सारी चीजें प्रॉपरली प्रेजेंट करी जाए। और अगर कुछ छूट जाता है, सपोज कोई ऐसी चीज है जो इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में नहीं है, तो उस केस में इन्होंने नोट्स भी दिए हैं, नीचे नोट्स दिए हैं और उसके अंदर हम लोग सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। अगर कुछ छूट भी गया तो वो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हर चीज। ये किस पे बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पे, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पे। तो आज हमने ये 4 प्रिंसिपल्स डिस्कस करे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले कुछ 5 या 6 प्रिंसिपल्स जो बचे हैं और हमारा चैप्टर हो जाएगा क्लोज। तो ये पूरा चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वो लिंक किस चीज़ का है, वो लिंक है चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मैंने पिछले साल वाले पार्ट में पढ़ाया था और इस साल सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको दोबारा बनाने की जरूरत है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पढ़ा है, चैप्टर 4 भी आज ही देख लो, खत्म करो। तो 1, 2, 3, 4 4 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और इसी तरीके से हम सिलेबस फटाफट खत्म करते जाएंगे। थ्योरी था मैंने इसलिए दोबारा नहीं पढ़ाया, प्रैक्टिकल होगा दोबारा पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको कल या 1-2 दिन में कंफर्म नई वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट।